पीसी चाको साहब हैं हमारे साथ आज एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार साहब, उनसे दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी सर, तो शरद पवार साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या मुलाकात के बाद खबर आएगी कि आप ज्वाइन कर रहे हैं एनसीपी? हाँ, डिस्कस करने के बाद मैं डिसाइड करेंगे। पवार साहब को डिस्कस करना, सबसे सीनियर कांग्रेस लीडर हैं पवार साहब देश में, और मैं बहुत साल उसके साथ काम किया, इसलिए उसको एडवाइस लेंगे और उसके एडवाइस क्या है, उसके डिस्कशन क्या है, उसके बेसिस पे मैं डिसीजन लेंगे। आप केरला से आते हैं, दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण स्टेट है। चुनाव से थोड़ा दिन पहले आपने इस्तीफा देने का पेशकश किया, लेकिन एनसीपी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंस वहाँ पर नहीं है, तो क्या एक नेशनल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के ये डिसीजन आप ले रहे हैं? या नेशनल पर्सपेक्टिव लेके मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि नेशनल पर्सपेक्टिव में कौन इम्पोर्टेंट है कौन इम्पोर्टेंट नहीं है उसके बारे में कहना अभी मुश्किल है। अभी भी एक यूनाइटेड ऑपोजिशन एमर्ज करना इंडियन सिचुएशन में, अभी उसके लिए कांग्रेस क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। तो आपको लगता है शरद पवार के नेतृत्व में एक यूनाइटेड ऑपोजिशन इमर्ज कर सकता है 2024 के चुनाव तक? ऐसा कुछ इमर्ज करते तो अच्छा होगा। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो दक्षिण भारत में उस मोर्चे की आप एक चेहरा हो सकते हैं? नो, मैं क्या कर रहा हूँ दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट पवार साहब को अभी करंट सिचुएशन में ओपोजिशन का लीडरशिप देना पॉसिबल है। आपको लगता है पॉसिबल है? वो तमाम जो बाकी दल हैं, टीएमसी हैं या बाकी दल हैं, वो आएंगे, उनको स्वीकार्य होगी? नो, वो सब डिटेल्स है, वो उसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं, बट पॉसिबिलिटी है। और आज आज़ाद साहब और आनंद शर्मा साहब से भी आप मिलेंगे, G23 जो कांग्रेस का नाराज गुट है उसके साथ कहीं ना कहीं आप हॉबनॉब करते हुए? कांग्रेस का नाराज नहीं, वो सब सीनियर कांग्रेस पीपल हैं, कांग्रेस के लिए पूरा उसका लाइफ डेडिकेट किया गया, वो कांग्रेस पीपल हैं, इसलिए हम पुराने दोस्त हैं, साथ काम किया बहुत साल, इसलिए मैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। मेरा लास्ट सवाल, आपको लगता है शरद पवार एक संयुक्त ऑपोजिशन का चेहरा हो सकते हैं 2024 के चुनाव में? आपको लगता है वो पॉसिबिलिटी है? मुझे कोई आइडिया नहीं, होगा तो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन बाबर मसूद के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।